नाजरीन आपको यहाँ एक अहम खबर देते हैं। वज़ीर आज़म हाउस में आला अस्करी और सिविल क़यादत की बैठक हुई है, जिसमें सिक्योरिटी और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की गई है। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास में आर्मी चीफ और DGISI ने शिरकत की। इनके अलावा वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वफाकी वज़ीर असद उमर और वज़ीर इत्तेलात फवाद चौधरी ने भी शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इजलास में सिक्योरिटी और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की गई और वज़ीर आज़म के दौरा चीन से मुतालिक भी मुशावरत की गई। साबिक डायरेक्टर जनरल DG कौमी एहतसाब ब्यूरो ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी को वज़ीर आज़म का मुशीर एहतसाब बनाने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी की तैनाती का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान है। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म के साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने 24 जनवरी को समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में अपने इस्तीफे का ऐलान किया था। आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की मंजूरी के बाद कैबिनेट डिवीजन ने शहजाद अकबर के मुस्ताफी होने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।